लास्ट लेक्चर में हम जो बात कर रहे थे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की, हम डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो है वो क्या है और इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है। कि तैरने फ्लोटेशन का मतलब होता है तैरना, कि तैरने का सूत्र क्या है, कि जब आप लोग जो है पानी के अंदर जो आप तैरते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल होता है, तो वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तैरने का सूत्र बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है और इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या है। अब इसकी स्टेटमेंट ये था, आप फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट स्पेस ऑफ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, के एक तो ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर जो तैरता है वो कितना जो लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, जितना उसका वेट होता है। ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर तैरता है वो उतना वेट यानी कि डिस्प्लेस करता है जितना उसका वेट होता है, ऑब्जेक्ट का वेट होता है, यानी कि नाम से ज्यादा करता है, नाम से जो है वो कम करता है, बल्कि उतना ही करता है जितना उसका वेट होता है। तो एन ऑब्जेक्ट सी इफ इट्स वेट इज ग्रेटर देन द अपर्स फोर्स एक्टिंग ऑन इट, के अपर्स फोर्स क्या होती है, अपर्स फोर्स जो होती है वो नीचे से जो है वो, फॉर एग्जाम्पल ये लिक्विड है इस तरह से, इसके अंदर जो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है उसके अंदर लिक्विड है, तो ये ऑब्जेक्ट जब हम इसको ये जो है यहाँ पे इसके ऊपर तैर रहा है तो नीचे से जो अपर्स फोर्स लगने वाली वो यानी कि फोर्स जो है वो अपर्स फोर्स वो क्या होगी, ज्यादा होगी फिर जो ऑब्जेक्ट होगा फ्लोट करेगा। क्या है इसके लिए